हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ कर्म एंड को एजुकेशन चैनल में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे करेंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि 2 दिसंबर से लिए गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 22nd सेशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हेल्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि अभी जो रिसेंटली जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज का कन्वेंशन हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, वो 22nd सेशन था, तो वो कहाँ पर अभी ऑर्गेनाइज किया गया था इस सेशन को। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो है स्टॉकहोल्म, लंदन, पेरिस और वियना। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। थाईलैंड हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ठीक है, तो थाईलैंड को यहाँ पर मेंबर चुन लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, साथ ही साथ थाईलैंड को सिलेक्टेड किया गया है ड्यूरिंग द 22nd सेशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है पेरिस में, यहाँ पर रिसेंटली 22nd सेशन वर्ल्ड जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का एक पार्ट है, वो अभी रिसेंटली हेल्ड हुआ था। ठीक है, रिसेंटली यहाँ वेन्यू था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करें। विच इंडियन रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 10 ऑफ द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 2019। तो एक बार फिर ने फोर्ब्स जो एक मैगजीन है उन्होंने रियल टाइम बिलियनेयर्स का लिस्ट जारी किया है, तो उसमें कौन से इंडियन ने टॉप 10 में यहाँ पर जगह बनाई है, तो हमें यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो है लक्ष्मी मित्तल, एना नारायण मूर्ति, रतन टाटा और मुकेश अंबानी। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चीफ है मुकेश अंबानी, उन्होंने 9th रिचेस्ट पर्सन का यहाँ पर रैंक हासिल किया है ग्लोबली इन द टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स। ठीक है, तो सबसे 9th सबसे अमीर आदमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड मुकेश अंबानी, और उनका नेट वर्थ कितना है, $60 billion। ठीक है, अंबानी मेड इट टू द डेली लिस्ट ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द शेयर प्राइस ऑफ हिज फ्लैगशिप फर्म रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के में शेयर प्राइस इंक्रीज होने के कारण वो टॉप 10 में यहाँ सेलेक्ट हुए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हु वॉन द बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी रिसेंटली हेल्ड हुआ था, तो हमें बताना है कि किन्हें बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, किन्हें ये प्राइस से नवाजा गया है, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो अंजलि पाटिल, उषा जाधव, नदीजदा मार्किना और अनास्तिया पुस्तोवित। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। उषा जाधव ने बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड जीता है, उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हु टॉप्ड द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स। तो हमें बताना है कि जो फोर्ब्स मैगजीन ने अभी रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट जारी किया है, तो उस मैगजीन में फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया है। ठीक है, जो ऑप्शन गिवन है वो है जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रियल टाइम बिलियनेयर्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स लिस्ट वाज टॉप्ड बाय अमेज़न फाउंडर एंड सीईओ जेफ बेजोस विद अ नेट वर्थ ऑफ $113 billion। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉप किए हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, और ये अमेज़न के फाउंडर है और साथ ही साथ सीईओ भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हियर ऑप्शन आर सीयू जॉर्ज, एलॉन अबुदबुल, फरहाद असलानी और ऑप्शन डी विंसेंट लिंडन। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीयू जॉर्ज हियर वॉन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीयू जॉर्ज को यहाँ पर बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड से नवाजा गया है, कहाँ, एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन आर्मी टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, जो ऑप्शन गिवन है वो है उड़ीसा कोस्ट, अरेबियन सी, चेन्नई कोस्ट और मुंबई कोस्ट। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंडियन नेवी ने यहाँ सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया है 290 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। ठीक है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फाइट किया गया है अरेबियन सी में, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा अरेबियन सी में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस, उसे टेस्ट फाइट सक्सेसफुली किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन टू इनेबल द यूनिवर्सिटी टू सेट अप इट्स कैंपस इन द कंट्री? योर ऑप्शन आर कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया या साइप्रस। सो हियर ऑप्शन इज करेक्ट, महाराष्ट्र, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जिसे शॉर्ट में एसटीपीयू भी बोलते हैं, और कतर का माइलस्टोन इंटरनेशनल एजुकेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एमओयू साइन किया है टू इनेबल द यूनिवर्सिटी टू सेट अप इट्स कैंपस इन दोहा। ठीक है, तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र का जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है और कतर का माइलस्टोन इंटरनेशनल एजुकेशन, इन दोनों ने एमओयू साइन किया कि ताकि एक यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जा सके दोहा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड? ठीक है, तो पहली बार वर्ल्ड एड्स डे को कब मनाया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। जो ऑप्शन गिवन है वो है 1980, 1982, 1988 और ऑप्शन डी 1994। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्ल्ड एड्स डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन 1st December 1988। ठीक है, तो 1st December 1988 को पहली बार वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया और ये एक जॉइंट वेंचर है किसके किसके बीच का, ये एक जॉइंट वेंचर है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एंड एड्स के बीच में। ठीक है, विच टूक द लीड ऑन कैंपेनिंग फॉर वर्ल्ड एड्स डे फ्रॉम 1994 to 2004। तो पहले इसे इस मोमेंट को बात हुई थी कि 1994 से 2004 के बीच में इस कैंपेन को चलाया जाएगा, लेकिन बाद में इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए इस वर्ल्ड एड्स डे को कंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, 1988 एड्स और ये अभी तक मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रीअफर्म्ड टू सपोर्ट भूटान्स डैश 5-ईयर प्लान। तो हमें बताना है कि भूटान का ये कितनवा एडिशन है 5-ईयर प्लान का। ठीक है, जो हमारे पास ऑप्शन गिवन है वो है 10th, 12th, 14th और 15th। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, द सेकंड एनुअल इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक्स विच वॉज हेल्ड ऑन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अभी रिसेंटली सेकंड एनुअल इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक हुआ था न्यू दिल्ली में, और ये टॉक का एम क्या था, इट एम्ड एट रिन्यूइंग इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स अंडर भूटान्स ऑन गोइंग 12th 5-ईयर प्लान दैट इज फ्रॉम 2018 to 2023। ठीक है, तो जो भूटान का जो 12th 5-ईयर प्लान है जो 2018 से 2023 तक चलेगा, इंडिया बेसिकली उसे सपोर्ट करने की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड एनुअल इंडिया भूटान डेवलपमेंट टॉक में इसी टॉपिक पर बात हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर वॉज द 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड? हमें वेन्यू बताना है कि जो अभी रिसेंटली 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था। ठीक है, उसका वेन्यू बताना। जो ऑप्शन गिवन है वो है न्यू दिल्ली, जयपुर, गोवा और मुंबई। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन शेड्यूल्ड वाज हेल्ड फ्रॉम 20th November to 28th November और गोवा में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, विच कंट्री वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? किस कंट्री को यहाँ पर अब रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर बनाया गया है? जो ऑप्शन गिवन है वो है इंडिया, थाईलैंड, कोस्टारिका और साइप्रस। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, थाईलैंड हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है, थाईलैंड को चुना गया है यहाँ पर एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी और इट वॉज सेलेक्टेड ड्यूरिंग द 22nd सेशन ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन पेरिस। जो पेरिस में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था उसी के दौरान, उसी कन्वेंशन के दौरान थाईलैंड को एज अ मेंबर चुना गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेकंड एनुअल इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक हेल्ड? जो अभी रिसेंटली सेकंड एनुअल इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक हुआ था वो कहाँ हुआ था रिसेंटली? जो ऑप्शन गिवन वो है न्यू दिल्ली, पुणे, थिम्पू और पारो। सो हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकंड एनुअल इंडिया भूटान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टॉक न्यू दिल्ली में अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया और ये टॉक का एम था कि इंडिया कमिटमेंट अपना कर रही है ताकि वो सपोर्ट कर सके which undergoing projects under Bhutan's 12th 5th year plan that is from 2018 to 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करें, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 वर्ल्ड एड्स डे? 2019 वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या है? जो ऑप्शन की मैंने वो है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, नो योर स्टेटस, शेयर्ड राइट, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑप्शन डी स्टॉप एड्स, कीप द प्रॉमिस, लीडरशिप। सो योर ऑप्शन इज करेक्ट, 2019 वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है वो है कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बैंक में देखे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली बैंक के जो मेन्स एग्जाम में है वहाँ थीम्स बहुत कॉमन है, थीम्स तो पूछे ही जाते हैं, तो थीम्स तो आपको याद रखना पड़ेगा, कीप इट माइंड रखना होगा। द थीम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल रोल दैट कम्युनिटीज हैव प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले इन द एड्स रिस्पॉन्स एट द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो एड्स का जो एड्स के बारे में जो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एड्स एट द लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये थीम रखा गया है इस बार का, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी रैंक्ड एज द डैश रिचेस्ट पर्सन ग्लोबली इन द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 2019। तो इसका आंसर मैं आपको प्रीवियसली दे चुकी हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन गिवन है वो है 1 नवंबर, 1 मई, 1 अगस्त और 1 दिसंबर। सो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्ल्ड एड्स डे हमेशा हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस डे का एम है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एड, ठीक है। दिस डे एम्स टू मोटिवेट द पीपल हु आर इन्फेक्टेड बाय फैटल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मूवी वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी रिसेंटली किस मूवी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ऑप्शन के मैंने वो है जलीकट्टू, पार्टिकल्स, बलून और द एस्पर्न पेपर्स। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रेंच स्विस को प्रोड्यूस्ड ड्रामा फिल्म जिनका नाम है पार्टिकल और इसे डायरेक्ट किसने किया है, ब्लेस हैरिसन एंड प्रोड्यूस्ड बाय एस्टीले फियलन। इन्होंने इस मूवी को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया है एट द 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इट इज एन एम्बिशियस येट मॉडेस्ट फिल्म अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ बीइंग अ टीनेजर, ठीक है। तो टीनेजर के इर्द गिर्द घूमता कुछ मिस्ट्रीज है, ठीक है। तो इस पर ये मूवी बेस्ड है जिसे अवार्ड नवाजा गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ द सिलेक्शन थाईलैंड एज द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इट वुड बी द सर्विंग द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द 4th टाइम एंड द पीरियड ऑफ डैश। Here option are 2021, 2022, 2023 or 2024. So here option C is correct. Thailand has been elected as the member of the World Heritage Committee, which I previously said. It was selected during the 22nd session of the General Assembly of Parties to the World Heritage Convention in Paris. ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको. Here the representatives from 193 countries cast their votes to file fill 9 vacant seats on the 21 members World Heritage Committee. With this selection, it will be the 4th time Thailand has been served on the World Heritage Committee. The term will end on 2023. ठीक है, तो 2023 तक World Heritage Committee में Thailand को serve किया जाएगा, ठीक है। 193 countries में से Thailand को choose किया गया। तो इसी के साथ ये आज का हमारा session खत्म होता है। हूँ आपको ये आज का session पसंद आया हो, अगर पसंद आएगा तो please हमारे session को like and share करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे एक नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।